हाय फ्रेंड्स, देखिए ये मेरे पास जो है पोंचो का डिजाइन है मेरे पास। तो ये मैंने क्रोशिया में बनाया हुआ है, तो मैं निटिंग के साथ जो है क्रोशिया भी मैं बनाती हूँ। मैं तो देखिए मैं इसकी जो ये जो टिकियाँ हैं कैसे बनाई जा रही है इसके बारे में बता रही हूँ। दूसरा जो ये धागा है, मतलब इसमें जो बबलिंग है वो बैक साइड में आ रही थी, तो मैंने इसमें ऐसे इस तरह से ट्रिक की तो मतलब बैक साइड में नहीं आके फ्रंट में आ रही है। प्लीज़ आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मैंने इसमें देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर एक टिक्की बना दी है एंड इसमें मैंने जो है 24 फंदे ले लिए हैं मैंने। अब इसमें मैंने चैन लेनी है और जो चैन लेनी है मैंने इस तरह की जो चैन लेनी है उसके बाद में भरा जाएगा। तो ये चैन जो है मैंने 8 लेनी है, मैंने 8 से मेरी ये जो है कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाली ले ली है मैंने और डिस्टेंस 2 का छोड़ के फिर अगेन दोबारा से इसी तरह से कंटिन्यू। इसी तरह से आजकल वैसे भी लंबे दिन हैं तो क्रोशिया किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा बन के आएगी टिकिया। इस तरह से अगेन मैंने इस तरह से इसमें जो बबलिंग आती है इसे हमने भूनना नहीं है। हमने यहाँ दिखा दी कि ये बबलिंग आ रही है इसमें, तो मैंने ओनली क्या करना है ऊपर से मैंने सीधे ही अंदर क्रोशिया को मैंने इस तरह से धागा खींच लेना है। देखिए ये हमारा जो है अगर छिप जाएगा तो इसकी जो मतलब शो है जो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने ले जाना है, अगेन ये मेरे हर चैन में जो है ये कंटिन्यू जो है मेरा आ रहा है। अभी क्लोजिंग पे आ गया, देखिए इधर अभी मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से, और ये मेरा इस तरह से। और जब मैं इसे भरूँगी तो भरते टाइम भी जो मैं इसे बचाते हुए जाऊँगी ताकि इसकी शो जो है बनी रहे। हो गए मेरे 2 4 एंड 6 अगेन मेरा दोबारा से फिर बबलिंग आ गई है इस तरह से, फिर अगेन इस तरह से। मैंने अब क्या करना है, मेरे पूरे ये 8 चैन जो मेरी कंप्लीट हो गई है, देखिए 2 4 6 एंड 8। अब क्या करना है, मैंने इसमें पहला जो रहेगा मेरा खाली क्रोशिया जाएगा और मेरे 12 से जो है 12 बार ही मेरे जो ये निकलेंगे इसके जो फंदे हैं। इस तरह से ये कलियां तैयार होकर आएगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे करना चाहता हो तो मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। और मैंने जो इसकी जोड़ने की जो मतलब ट्रिक है वो मैं पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। मैं इस तरह से इसे हम भरते हुए जाएंगे। ये देखिए ये मेरा भरते हुए जा रहा है, इस तरह से ये भर रहा है मेरा ये अगेन। ये जो बबलिंग है दोबारा मैं इसको बचा रही हूँ इस तरह से। मैंने ये देखिए बबलिंग को मैं राइट में ही ला रही हूँ, ठीक है। और ये बहुत अच्छा बन के आता है। ये हमारा जो है मार्केट में एक नया धागा आया हुआ है, तो अगर आप कुर्ती वगैरह में टॉप वगैरह में भी आप लगा सकते हो उस टिक्की को। मैं आपको जल्दी उसकी वीडियो अपलोड करके दिखाऊँगी। एक्चुअली वो हमारा बारीक धागे से रहेगा इस तरह से। इस तरह से
कंप्लीट करते हुए जाऊंगी। प्लेन कपड़े पे जो है इन टिक्कियों की जो है बहुत अच्छी लुकिंग आती है, एम्ब्रॉयडरी की तरह ही अच्छा लगता है। मतलब ये क्रोशिया का अगर आप इन टिक्कियों को हार्ड करना चाहते हो तो ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसे किसी के लिए लगे कि मुझे ये हार्ड रखनी है, मतलब सॉफ्ट जैसी हो रही है। मतलब ये लेकिन देखिए अगर मान लीजिए चैन में इस तरह की बबलिंग आएगी अगर हमारी, तो हमने उसे हमने नीचे की ओर करना है। अगेन हमने जो है मैं दिखा रही हूँ आपको इसके अंदर से बुनते हुए जाना है। ये देखिए इसके अंदर से बुनते हुए जाना है। तो ये वर्क बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरी कलियां भी अब वो मेरी कंप्लीट होने वाली है। मोटा धागा है तो इजिली बुना जा रहा है। ये पर डे में एक्चुअली क्या करती हूँ, ये सोच के रखती हूँ आज मैंने 10 बनानी है तो मैं 10 बना के रखती हूँ, और जोड़ने का जो मैं बाद में ही रखती हूँ। जैसे एक बार बना ली है आपने टिकियाँ तो चाहो तो आप 7 बजे, पर मुझे अच्छा लगता है कि एक बार टिकियाँ बन जाए तो फिर जोड़ने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से एक गोली रहता है। अब मैं इसके बाद जो है जैसे ये मैं बता रही हूँ आपको, तो अंदर की कलियाँ भी इसी तरह से रहेगी, उसमें भी हमारी जो है 3-3 चैन ले जाएगी, और 3-3 चैनों को जो हमने मतलब 5 से ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो वो ज़्यादा ही मतलब ओवर हो जाएगी। इस तरह से देखिए मेरा ये फ्लावर जो है, आज मैं जो है वीडियो में जो है मैं एक बार का भी टेक नहीं ले रही हूँ, मैं रेस्ट नहीं ले रही हूँ, नहीं तो मुझसे ये बहुत गलतियाँ होती है। एक्चुअली क्या है कि मैं स्पीड में बोलती हूँ और स्पीड में हाथ भी चल रहा है, तो आज सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे करूँ, मैं एक बार ही मैं ही बता लेती हूँ। अब देखिए इस तरह से मेरा ये 8 की 8 का लिए जो मेरी पूरी देखिए मेरी तैयार हो गई है। अगेन मैंने अंदर वालों को भरना है। मैंने भी आपको कहा था 3 चैनली 1, 2 एंड 3, और फिर मैंने इस तरह से 1, 2 एंड 3 इस तरह से, मतलब ये टाइट होना चाहिए, मतलब जितनी ये टाइट रहेगी और ये बनाने को भी अच्छी रहेगी, अंदर वाली जो चैने रहेगी 1, 2, 3, अगेन इस तरह से 1, 2, 3, और फिर इन्हीं चैनों को हमने फिर भरते हुए जाना है। हमने इस तरह से हमारा ये अटकली फ्लावर भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए 1, 2, 3 इस तरह से। अब देखिए मेरी चैन जो कंप्लीट हो गई है, अब मैंने भरते हुए देखिए सबसे पहले जो क्रोशिया होता खाली इस तरह से ऐसा करना है, इस तरह से फिर अगेन 5 बारी भरना है, 2, 3 एंड 5, और बड़ा ही प्यारा बन के आएगा ये। और पिंक कलर तो मेरा वैसे भी फेवरेट कलर है, जैसा नाम वैसे फेवरेट कलर। इस तरह से आज संडे की छुट्टी है तो आज मेरे पास टाइम है कोई, फिर आज ना फ़ोन आता है ना कोई मिलने आता है, तभी मैं एक साथ जो 3-3 2-2 वीडियो को जो जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। मंडे के बाद फिर हमारे पास वर्क नहीं रहता है। इसके बाद मैं आपको अपना वर्किंग शेड्यूल भी बताऊँगी, जहाँ हमारे सेंटर चल रहे हैं स्विंग के चल रहे हैं आजकल,
फैशन डिज़ाइनिंग के चल रहे हैं। जो ये मैंने देखिए ड्रेस जो पहनी हुई है, ये हमारे यहीं पर ही बनी हुई है, खुद से बनाई हुई ड्रेस है ये, और हम फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करा रहे हैं। कोशिश है आशा